असलम माय डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ टुडे वी विल स्टडी अ टॉपिक फ्रॉम साइंस बुक ऑफ सेवंथ क्लास एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अन इन हीटिंग ऑन द अर्थ एंड द पेज नंबर इज़ नाइन्टी नाइन सो माई डियर स्टूडेंट्स आज हमें पढ़ना है कि विंड करंट्स ज़मीन पर कैसे जनरेट होती हैं के दो ही रीजन हो सकते हैं या तो तब जनरेट होती है जब अनइवन हीटिंग होगी किस में इक्वेटर और अर्थ के पोल्स के बीच में या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब अनइवन हीटिंग होगी लैंड एंड वाटर के बीच में तो आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि अन इवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स कैसे राइज देता है विंड करंट्स को सो माय डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है इट इज फेयर इन शेप और हमारी अर्थ में एक इमेजनरी लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं ये वाली लाइन इमेजनरी लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं और ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है यानी कि दो हिस्सों में तकसीम करता है और हमारी अर्थ में पोल्स होते हैं ऊपर वाला, है, वाला जो पोल होता है इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाला जो पोल होता है इसको हम साउथ पोल बोलते हैं सो क्या बताता है एनिमल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड नॉर्थ साउथ पोल्स कॉजस नॉर्थ साउथ विंड करंट जब अनवन हीटिंग होगी इक्वेटर और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में तब जाके वहाँ पे क्या राइज हो जाती है नॉर्थ साउथ विंड करंट्स राइज हो जाती है द रीजन क्लोज टू द इक्वेटर रिसीज मैक्सिमम सनलाइट लाइट हैंस एयर इन दिस रीजन इज़ वार्म अब ये जो इक्वेटर है यहाँ पर जो सूरज की लाइट है ये डायरेक्टली फॉल होती है इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर जो हवा है वो गर्म होती है क्योंकि सूरज ना सिर्फ हमें रोशनी देता है बल्कि रोशनी के साथ साथ हमें हीट भी देता है तो सूरज जो है यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेटर पे इसकी जो सनलाइट है डायरेक्टली फॉल होती है जिसकी वजह से ये जो एरिया है इक्वेटर के पास जितने भी एरियाज है ये गर्म होते हैं और उसी की वजह से यहाँ पे जो हवा होती है वो भी गर्म होती है द वॉम एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम ज़ीरो टू थर्टी डिग्री टेक्स इट्स प्लेस अब ये जो अर्थ है इक्वेटर के पास इसका जीरो डिग्री होता है इक्वेटर के ऊपर थर्टी डिग्री उसके बाद सिक्सटी डिग्री एंड सिमिलरली डाउनवर्ड्स थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री अब जो इक्वेटर के पास हवा होती है वो क्या होती है गर्म होती है लेकिन जो हवा नॉर्थ और साउथ पोल के पास होती है वो ठंडी होती है और हमने कल भी पढ़ा था कि एयर जो है वो राइज़ अप करती है वो ऊपर की तरफ जाती है तो इक्वेटर के पास जो गर्म हवा है ये कहाँ की तरफ चल रही है ऊपर की तरफ ये देखो आप ये जीरो टू थर्टी डिग्री के बीच में होके कहाँ से चले जा रही है थर्टी टू सिक्सटी डिग्री के बीच में और जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ठंडी हवा है ये कहाँ की तरफ आ रही है इक्वेटर की तरफ आ रही है तो इससे क्या हो जाता है विंड करंट जो है एक्सचेंज हो जाती है और इसी से फिर क्या राइज हो जाता है विंड करंट बिटवीन द तो नॉर्थ एंड साउथ पोल विंड करंट जनरेट हो जाती सिमिलरली कोल्ड विंड्स from नॉर्थ एंड साउथ पोल मूव towards द इक्वेटर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उसके बाद नॉर्थ साउथ पोल में जितनी भी विंड होती है ठंडी वो किसकी जगह लेती है इक्वेटर की जगह इसको समझने के लिए एक और कंसेप्ट